वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हैं। जहाँ प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर और प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है और वापस हम इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से अच्छे से 4 फोल्ड कर लेना है और वापस हमें इसे 2 फोल्ड करना है। तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। तो फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे पैटर्न के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो लेंथ और ब्रॉडनेस हम मार्क करेंगे फोल्ड एरिया से 2.5 इंचेस से मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके का। और यहाँ से हमें पैटर्न की लेंथ मार्क करनी है 3.5 इंचेस से मार्क करेंगे 1 बाय 1 इस तरह से। पॉइंट्स को मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 राउंड शेप यहाँ पे मिल गए हैं इस तरह से। यहाँ पे एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है। दोनों राउंड शेप को अच्छे से मिलाएंगे हम इस तरह से। और अच्छे से मिलाने के बाद हमें 2 फोल्ड करना है इसे इस तरीके से। और 2 फोल्ड करने के बाद एक एंड से हमें कट कर लेना है और 2 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से। वापस हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे पूरे राउंड में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे अब हमें हल्के हाथों से नॉचेस लगाने हैं। दोनों राउंड शेप में हमने सिलाई कर ली है और नोचेस लगाने के बाद ओपन एरिया से हमें इस राइट साइड पर टर्न कर लेना है इस तरह से। तो देखिए हमने इस राइट साइड पर टर्न कर लिया है और ऊपर से हमें कवर सिलाई कर लेनी है और यहाँ पे दोनों एंड को हमें क्लोज कर लेना है अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए। ये देखिए हमने इस तरह से ओपन एरिया क्लोज कर लिया है और ऊपर से हमने कवर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 39 इंचेस और लेंथ हमने ली है 29 इंचेस, जिससे दोनों को साथ में हमें 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप में हमें फैब्रिक को रिमूव करना है आर्म होल के शेप में इस तरह से। और इसकी बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे 2 फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। 4 आर्म होल को रेडी करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से आर्म होल रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे अपर ऑर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है इस तरह से। और यहाँ पे अब हम गैदरिंग करेंगे। तो एक धागे को अलग करना है और एक हल्के हाथ से खींचते हुए पूरी ब्रॉडनेस में गैदरिंग करेंगे और बॉटम का पार्ट यहाँ पे हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे टॉप पार्ट की पैटर्न के लिए हमें रफल बना के अटैच करना है।
तो दो रेक्टेंगल पीसेस हमने कट किए हैं जिसकी लेंथ हमने ली है 9 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 35 इंचेस, जिसकी एक बॉर्डर को नीचे वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट कर लेना है दोनों पार्ट्स में। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे भी एक धागे को लग करके हमें गैदरिंग कर लेना है, हल्के हाथ से खींचते जाना है और रफल बनाएंगे दोनों पार्ट्स में हम। ये देखिए हमने रफल यहाँ पे रेडी कर ली है जिसे टॉप के साथ हमें अटैच करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे राउंड शेप को 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर से हमें मार्किंग करनी है। तो सेंटर से 1 इंच पे हमें मार्क करना है दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट में। और यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे अपर साइड में, 1 इंच पे मार्क करना है सेंटर से। और इस मार्किंग को मिलाते हुए रफल को हमें अटैच करना है, तो इस तरीके से दोनों मार्क को मिलाते हुए रफल यहाँ पे हम अरेंज करेंगे और इसके ऊपर राउंड शेप को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 दोनों रफल को हमें अटैच कर लेना है, ऊपर से सिलाई करनी है। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए हमने इस तरीके से रफल अटैच कर ली है और ये हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है पैटर्न के साथ, रफल के साथ। और इससे हमें बॉटम के साथ अटैच करना है, तो सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे। टॉप का जो सेंटर है इसे हम बॉटम के सेंटर के साथ मिलाएंगे, तो सेंटर से 4 इंचेस पे हम मार्क करेंगे लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में भी हमें मार्किंग कर लेनी है, 4 इंचेस पे मार्क करेंगे। और अपर साइड में भी हम मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। जो हमारा बैक का पार्ट है अब यहाँ पे बॉटम के साथ मिलाना है हमें इस तरीके से, जो हमने मार्किंग की है इसे यहाँ पे मिलाएंगे और ऊपर से सिलाई करते हुए टॉप और बॉटम को हमें जॉइंट कर लेना है और बैक साइड को भी बॉटम के साथ इस तरीके से मार्क को मिलाते हुए अरेंज करेंगे इस तरीके से, और ऊपर से सिलाई करते हुए पैटर्न को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिया है, फ्रॉक को राइट साइड पर टर्न कर लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाना है हमें फ्रंट और बैक को इस तरीके से, टॉप को अंदर की साइड रखते हुए और दोनों साइड से 1 इंच की डिफरेंस पे हम सिलाई करेंगे। और फ्रॉक को हमें फिटिंग कर लेना है और फ्रॉक की जो नीचे वाले बॉर्डर है इसे भी रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हमें सिलाई करना है। ये देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, नीचे बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही डिज़ाइनर भी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।